प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को फंड ट्रांसफर किया। पीएम मोदी की इस योजना का लाभ पौड़ी जनपद प्रशांत कुमार को भी मिला। लाभार्थी प्रशांत को भी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना के तहत फंड ट्रांसफर किया गया। इस दौरान लाभार्थी ने जिला अधिकारी के साथ बैठकर मोदी के संबोधन को सुना। प्रशांत ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों को पीएम द्वारा सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है जो बच्चे कोरोना काल में अपना सब कुछ खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर उन्हें 10 लाख की एफडी भी उपलब्ध कराई गई है जिसको 23 साल पूरा होने के बाद वे निकाल सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 10 लाख रुपए की एफडी के रूप में हमारी सहायता हुई, सर ये आने वाले फ्यूचर में काफ़ी मददगार रहेगा। और जो सर उन्होंने 5 लाख रुपए का ही हेल्थ कार्ड दिया है, सर ये भी काफ़ी आने वाले समय में या कुछ समय में मतलब जब भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ भी हो तो सर ये भी बहुत ही मददगार रहेगा। तो इस मामले में मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड काल के दौरान ऐसे छात्र छात्राएं बच्चे जो जिनके माता पिता का दोनों का जो है देहांत कोविड काल में हो गया था कोविड के कारणों से, तो उनके सहायता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज उनको 10 लाख रुपए की धनराशि उनको एफडी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। और 23 साल की आयु प्राप्त करने पर ये धनराशि उनको 10 लाख की धनराशि पूर्ण रूप से उनको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ में नियमित रूप से उनको जो भी उस पर ब्याज की दर होती है वो ब्याज उनको नियमित रूप से मासिक रूप से उनको प्राप्त होता रहेगा, इसकी व्यवस्था निर्देश के क्रम में किया गया।